नमस्ते दोस्तों, मल्टीटास्किंग अंशिका चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि हरी सब्जी बोड़ा यानी कि लोबिया की कढ़ी कैसे बनाई जाती है। दोस्तों, ये बहुत ही लजीज बनती है और इसको सारे बच्चे, बूढ़े, नौजवान सभी पसंद करते हैं। इसके लिए आपको बोड़ा को छोटे छोटे पीसेस में देखिए एक एक इंचेस के कट कर लेना है और इसको बॉयल होने के लिए रखना है। हम इसमें डालेंगे नमक, हल्दी और लाल मिर्च, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, और डालने के बाद हम इसको थोड़ा सा पानी डालकर, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, और एक सीटी लगाकर उतार लेंगे। सारे बोड़ा को जो है बॉयल कर लेंगे। एक सीटी आ गई है, हमारा बोड़ा पक के रेडी हो गया है। चलिए आपको दिखाते, देखिए एक ही सीटी लगानी है दोस्तों। ये हरी सब्जी होती है, इसको ज़्यादातर बच्चे पसंद नहीं करते हैं, लेकिन आप इस तरह से अगर बना के खिलाएंगे तो ज़रूर बच्चे इसको पसंद करेंगे और घर के सारे लोग पसंद करेंगे। और हरी सब्जी फायदेमंद भी होती है। देखिए बोड़ा अच्छे से पक गया है। अब हम मसाले की तैयारी करेंगे। दो प्याज ले लेंगे, छोटा सा अदरक और एक कली लहसुन और थोड़ी सी हरी मिर्च और थोड़ा सा जीरा डालकर, थोड़ा सा पानी डालकर पेस्ट बना लेंगे। देखिए दोस्तों, पीस कर महीन पेस्ट बना लिया है। अब हम तैयारी करेंगे कढ़ी की। बेसन ले लेंगे और अच्छे से कढ़ाई को गर्म होने के बाद बेसन को डालकर भून लेंगे। दोस्तों, इसको मध्यम आंच पे चलाते हुए धीरे धीरे करके भूनना है। बेसन को ब्राउन होने तक भूनना है, क्योंकि बेसन ताकि कच्चा ना रह जाए। देखिए इस तरह से इसको चला के आप भून लीजिए। हमारा बेसन भून गया है। अब हम कढ़ाई फिर से चढ़ाएंगे और हम उसमें डालेंगे तेल। तेल होने के बाद हम उसमें डालेंगे जीरा, मेथी और लाल मिर्च। उसके बाद मसाला चलाते हुए पकाएंगे। अब हम इसे चलाते रहेंगे। अब हमने जो बेसन भून कर रखा है, तब तक हम उसका घोल बना लेते हैं। उसमें मिलाएंगे थोड़ा सा पानी बेसन में और अच्छे से उसको फोक की सहायता से, देखिए हमने इसको अच्छे से घोल लेना है ताकि उसमें गुठली ना पड़े। हम उसमें मसाला डालेंगे, हल्दी, धनिया, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, और ये सारा भी उसमें मिला लेंगे। अब वैसे देखिए मसाला तैयार हो गया है और हम इसमें अपना घोल डाल लेंगे चलाते हुए इसको। उसके बाद हमने जो बोड़ा पका के रखा है उसको भी हम उसमें डाल लेंगे। इसको दोस्तों चलाते रहिए ताकि इसमें गुठली ना पड़ने पाए और कढ़ी एकदम पतली एक तारे की बने। अभी देखिए हमने जो बॉयल करके बोड़ा रखा था, पानी सहित उसको उसमें डाल देना है। अब स्वादानुसार डालकर नमक अच्छे से ढककर पकाइए और देखिए हरी धनिया के साथ इसको गार्निश कीजिए। कितना बढ़िया इसका टेक्सचर आया है दोस्तों। जो भी हरी सब्जी नहीं पसंद करते हैं, आप इसको अगर बना के देंगे तो पक्का वो पसंद करेंगे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर।